हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, मैं हिमांश क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आईपीएस क्लर्क की कट ऑफ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी। सारे स्टेट का अच्छे से कंपेरिजन करके मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने ये प्रेडिक्शन किया था और कट ऑफ एग्जैक्ट उसी के आसपास हुई। तो वीडियो पूरी देखना, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनका आरआरबी पीयू आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ है, उनको अभी भी डाउट है कि क्या आईपीएस क्लर्क में होगा नहीं होगा। तो एटलीस्ट ये वीडियो देख लो, अगर आप लोग इस कट ऑफ के आसपास हो तो अभी भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेंस आपका आने वाला है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेट वाइज कट ऑफ अपन कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखना आप लोग। और चैनल पर अगर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है, कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट है, देखो सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ पूरे इंडिया में एक ही जाएगी, हर एक स्टेट की अलग अलग नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखो जनरल की बात करें, जनरल में इंग्लिश की लास्ट ईयर की बता रहा हूँ 8.75 थी, मैथ्स की थी 13.75 और रीजनिंग की 15.75। और ओबीसी की करें तो 5.25 इंग्लिश की, मैथ्स की 10.50, रीजनिंग की 11.75। ठीक है, तो यही लगभग जानी है। लास्ट ईयर भी पेपर इसी लेवल का था, तो इस बार भी यही कट ऑफ जाएगी सेक्शनल। ऑलमोस्ट देख लेना आप लोग, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, ऑलमोस्ट यही कट ऑफ जाएगी सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्या कौन से स्टेट की क्या कट ऑफ रहेगी वैकेंसी का कंपेरिजन करके। तो स्टार्ट करते हैं अपन, तो सबसे पहले बात करें गुजरात की। ठीक है, तो गुजरात में लास्ट ईयर 395 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी है 304। तो एक चीज़ आप लोगों के माइंड में होगी कि जैसे लास्ट ईयर 395 वैकेंसी थी तो मेंस के लिए 10 टाइम्स बुलाया होगा, ये रहता है माइंड में 3950, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। एबीपीएस का जो नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि वो एडेक्यूएट नंबर ऑफ स्टूडेंट को बुलाएंगे मेंस के लिए। जैसे गुजरात में 395 वैकेंसी थी और आईपीएस को कहीं ना कहीं था गैस था कि वैकेंसी लगभग गुजरात में 500 हो जाएगी या 550 हो जाएगी, तो वो स्टूडेंट बुलाएंगे लगभग 5,500 6,000, इस हिसाब से स्टूडेंट बुलाते हैं मेंस के। तो ये सभी स्टेट के अंदर है, तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरे स्टेट में इतनी कम वैकेंसी है तो फिर कैसे क्या होगा, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब ये 304 वैकेंसी जब प्री का नोटिफिकेशन मतलब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था जब वैकेंसी थी, फाइनल जब रिजल्ट आया तब तो ये वैकेंसी बढ़ गई थी, 500 600 हो गई थी, 600 के आसपास हो गई थी, उससे मतलब नहीं। जब नोटिफिकेशन आया प्री हुआ उस टाइम इतनी वैकेंसी थी 395 और इस बार वैकेंसी 304 और लास्ट ईयर कट ऑफ थी 72। ये सारी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ जनरल की। ठीक, ओबीसी की इससे कुछ कम कर लेना 0.5 0.25 या इक्वल, और ईडब्ल्यूएस की 0.5 या एक नंबर कम कर लेना, और एससी एसटी की 4 5 नंबर 6 नंबर तक कम कर लेना। वो कैटेगरी वाइज भी लास्ट में मैं बता दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी है जनरल की। ठीक है, अब देखो गुजरात की है लास्ट ईयर 72 कट ऑफ, इस बार भी पेपर ठीक ठाक लेवल का है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर और ज़्यादा स्टूडेंट्स के 90+ थे, 95 99, ये इस बार कम देखने को मिला है, तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लास्ट ईयर की इक्वली रहेगी कट ऑफ, और इससे 1 या 0.50 कम भी हो सकती है, तो कट ऑफ रहेगी लास्ट ईयर की इक्वल 72 ± 2। अब कर्नाटका की बात करें तो लास्ट ईयर वैकेंसी थी 454, इस बार है 358, लास्ट ईयर कट ऑफ थी 67.25, तो इस बार कट ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी कम है, बट इनको फिर भी आइडिया है कि इतनी स्टूडेंट को अपन को लेना है, तो स्टिल कट ऑफ लास्ट ईयर के आसपास ही रहेगी, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। एमपी की बात करें 389 वैकेंसी थी, इस बार 309 है, और एमपी हायर जोन में ही रहता है, एमपी की लास्ट ईयर कट ऑफ थी 77, तो एमपी कट ऑफ रहने के चांसेस 78 ± 2। बिहार की बात करें तो बिहार में 300 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 281 है लगभग आसपास, ये लास्ट ईयर 76 कट ऑफ थी, तो इस बार भी उसी के आसपास रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वेस्ट बंगाल की बात करें 516 वैकेंसी थी 2021 में, इस बार 528 और ज़्यादा ही है, लास्ट ईयर कट ऑफ थी 79, तो इस बार कट ऑफ अपन मान सकते हैं 78 ± 2। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 302 वैकेंसी लास्ट ईयर, इस बार 106 है, और कट ऑफ देखें प्री की तो वो है 77, और इस बार वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा ही कम हो गई है, अगर कुछ आसपास होता तो कट ऑफ आसपास रहती, ज़्यादा कम है तो यहाँ पर कट ऑफ जरूर थोड़ी सी हाई जाएगी, तो यहाँ 79 ± 2। आप जम्मू कश्मीर की बात करें, 26 वैकेंसी थी, इस बार 35 है, तो 72 लास्ट ईयर कट ऑफ, तो इस बार कट ऑफ रहने के चांस है थोड़े से कम, 71 ± 2। हिमाचल प्रदेश की बात करें एचपी की, तो लास्ट ईयर वैकेंसी थी 113, इस बार है 91, एचपी हमेशा हायर जोन में रहता है, कट ऑफ थी 78.50 लास्ट ईयर, तो इस बार कट ऑफ रहेगी
प्लस माइनस टू। ओके, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में वैकेंसी थी लास्ट ईयर 387 और इस बार जो वैकेंसी है वो 209, तो वैकेंसी थोड़ी सी डाउन हुई है। ठीक है, 71 कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, तो इस बार कट ऑफ 72 प्लस माइनस टू रहने के चांसेस है। नेक्स्ट है पंजाब, पंजाब की बात करें तो लास्ट ईयर 402, इस बार 407, इक्वली है लगभग, 77 कट ऑफ थी, तो पंजाब की कट ऑफ लास्ट ईयर के आसपास ही रहेगी एग्जैक्ट। तो नेक्स्ट बात करें पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 843 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, इस बार 288 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो कट ऑफ थोड़ी सी तो वेरी करेगी यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे कट ऑफ रहेगी 71 प्लस माइनस टू, ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी, दो चार नंबर बढ़ेगी यहाँ पर। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 111 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, 111, इस बार 69 है, और प्री की कट ऑफ थी 79.25। झारखंड भी हायर जोन में ही रहता है, तो इस बार भी कट ऑफ है 70, उसी के आसपास ही रहेगी। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लास्ट ईयर 318 थी, इस बार 295 है, कट ऑफ थी 77.25, इस बार कट ऑफ रहेगी उसी के आसपास, 78 प्लस माइनस टू। ठीक है, अब बात करें अपन, एक सेकेंड, यूके, उत्तराखंड की बात करें, 15.8 वैकेंसी थी, इस बार 19 वैकेंसी, काफ़ी कम है, बट बहुत सारे अब रिपोर्ट होगी वैकेंसी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी वैकेंसी है ना, उसमें बहुत सारी वैकेंसी अभी एड होगी, तो परेशान मत होना कि वैकेंसी कम है, क्या होगा नहीं होगा, अभी आपका काम है पढ़ना, मेंस के लिए प्रिपेयर करना। मेंस के लिए मैंने जीए की क्लासेस स्टार्ट कर दी, बहुत सारी, मैंने 3 जीए की क्लास डाल दी, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम मैंने करवा दी है, तो जाके देखो, प्रिपेयर करो, और जल्दी मैं कैसे मैंने मेंस क्लियर किया उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी थी मेरी, उसको फॉलो करना आप लोग। अब उत्तराखंड की बात करें, लास्ट ईयर 77, इस बार कट ऑफ बढ़ेगी थोड़ी सी, 79 प्लस माइनस टू। केरला की बात करें, 194 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, इस बार 70 है, और कट ऑफ लास्ट ईयर 78, तो इस बार 79 प्लस माइनस टू रहने के चांसेस है। तेलंगाना, तेलंगाना में 205 वैकेंसी थी, इस बार 99 वैकेंसी है, कट ऑफ लोअर जोन में रहता है तेलंगाना, 65.75, तो यहाँ पे कट ऑफ 68 प्लस माइनस टू रहने के चांसेस है। राजस्थान की बात करें, एक सेकेंड, हाँ, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 142 वैकेंसी थी, इस बार 129 है, लगभग आसपास ही है। लास्ट ईयर जनरली कट ऑफ थी 81.50, ओबीसी की थी 79 के आसपास। ठीक है, तो इस बार भी कट ऑफ उसी रेंज में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 82 प्लस माइनस टू। राजस्थान से की तो सबसे ज़्यादा ही रहती है पूरे इंडिया में। यूपी, यूपी की बात करें तो लास्ट ईयर वैकेंसी 1039, इस बार 1089, वैकेंसी अच्छी है, प्री कट ऑफ 77 थी लास्ट ईयर, बट यूपी में बहुत सारे आते हैं, दिल्ली या यूपी हरियाणा वाले भी आ जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यूपी की जो कट ऑफ है वो उसी के आसपास रहेगी लास्ट ईयर के आसपास। महाराष्ट्र की बात करें, 882 वैकेंसी, इस बार 775 है, लास्ट ईयर की कट ऑफ 70.25, तो इस बार भी कट ऑफ 71 प्लस माइनस टू ही रहेगी। हरियाणा की बात करें तो लास्ट ईयर 133 वैकेंसी थी, इस बार 138 है, बराबर इक्वल, 78.50, तो यहाँ पे भी इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गोवा, गोवा की लास्ट ईयर 59 वैकेंसी थी, इस बार 71 है, गोवा लोअर जोन में रहता है, गोवा की काफ़ी कम कट ऑफ रहती है, तो इस बार भी कट ऑफ के चांस है कि 61 प्लस माइनस टू रहे हैं। असम की बात करें, असम में 191 वैकेंसी है लास्ट ईयर, इस बार है 157, और 68 कट ऑफ थी, तो इस बार भी कट ऑफ 68 प्लस माइनस टू रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है वैकेंसी 111, और इस बार 104 बराबर है, 74 कट ऑफ थी, तो इस बार भी कट ऑफ रहेगी 74 प्लस माइनस टू। मणिपुर में 6 वैकेंसी थी, इस बार 4 है, कट ऑफ 69.75, लोअर जोन में ही रहता है, तो यहाँ पे भी 69 प्लस माइनस टू। सिक्किम की लास्ट ईयर की वैकेंसी मुझे नहीं मिल पाई, 11 वैकेंसी है इस बार, लास्ट ईयर 59.25 कट ऑफ, काफ़ी लो कट ऑफ रहता है यहाँ पे भी, तो इस बार भी इतना ही रहेगा, 60 प्लस माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये देखो एक बार आप कैटेगरी वाइज भी देख लो कि क्या क्या कैटेगरी में रहती है। जैसे देखो गुजरात की लास्ट ईयर की बात करें तो सबकी बराबर थी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनकी लगभग इक्वली रहती है, एससी की 70.50 थी। कर्नाटक की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 67.25, ओबीसी की भी 67.5, बट ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, एमपी में देखो जनरल और एसटी में कितना डिफरेंस है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब के अकॉर्डिंग देख लो। बिहार के अंदर लगभग इक्वल, वेस्ट बंगाल के अंदर जनरल की 79, ओबीसी की 73.75, ईडब्ल्यूएस की 71.2, ओडिशा, ओडिशा में ईडब्ल्यूएस और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जम्मू कश्मीर के पता नहीं, और आंध्रा की बात करें तो लगभग इक्वल है जनरल ओबीसी। पंजाब की बात करें तो जनरल की 70.75, ओबीसी की 71। आप तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में इक्वली है जनरल ओबीसी, झारखंड की नहीं। अब दिल्ली की बात करें,
दिल्ली में जनरल की देखो 77.5, ओबीसी में इनमें लगभग 4 नंबर का डिफरेंस है, तेलंगाना में लगभग इक्वल, राजस्थान में देखो 81.50 थी, ओबीसी की 79.5, ईडब्ल्यूएस की 79। यूपी की बात करें देखो, यूपी में 77 थी जनरली कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 76.25, ओबीसी की 74, एससी की 67.5, महाराष्ट्र की लगभग इक्वल थी सबकी 70.5। हरियाणा की बात करें तो 78.50, 78.50 और 76 थी। तो इस टाइप से आप देख लो आप लोग अपने अपने स्टेट के क्या कट ऑफ में डिफरेंस है कैटेगरी में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अभी भी आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब जो ये कट ऑफ आपका जो स्कोर है किस पर डिपेंड करेगा, देखो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि मान लो किसी ने 74 ही किए हैं और 100% एक्यूरेसी है कि मेरे सारे सही हैं, उसका सिलेक्शन होने के चांस है ना। तो ऐसा मत सोचो कि आपने अगर 75 से कम किया तो आपका नहीं हो सकता, स्टिल यू हैव गुड चांस, तो आपका अच्छा चांस है अभी भी। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन होगा बट सारी शिफ्ट में नहीं होगा, जैसे आरआरबी क्लर्क में भी देखा अपन ने, किसी किसी शिफ्ट में जितने किए स्टूडेंट उतने ही मार्क्स मिले, कोई ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। बट जो शिफ्ट टफ थी जहाँ पे फ्लैट फ्लोर आई है और उसी के साथ रॉन्ग नंबर सीरीज थी जिस शिफ्ट के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा सा जरूर होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे अटैम्प्ट 3-4 कम हुए हैं एवरेज अटैम्प्ट, तो नॉर्मलाइजेशन उस अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, गुड अटैम्प्ट मैंने बता दिए हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है फिर भी अगर आप 72+ करके आ रहे हो तो आप रेस में हो। ठीक है, अब बात करें प्री का रिजल्ट कब आएगा। ओके, तो मेंस तो देखो 8 अक्टूबर को फिक्स है और आईबीपीएस लगभग 15 से 16 दिन देगा वो आराम से, तो आपका जो प्री का रिजल्ट है आप 20 से 22 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, इजीली आपका रिजल्ट इसी के बीच में आएगा, देख लेना आप। ठीक है, तो आप रुकना क्यों, 16 दिन में आप मेंस का कितना कर लो, अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो अभी तो टाइम है ना, 2-4 दिन ज़्यादा ही है, तो अभी से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ अच्छे से। डिटेल स्ट्रेटजी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा कि कैसे मैंने क्लियर किया, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, जीए के अंदर क्या था वो पूरा, और कैसे प्रिपेयर करना है मैंने बता दिया, अभी मैं बताऊंगा जल्दी। जब तक आप लोग जो मैं जीए की क्लासेस डाल रहा हूँ उनको तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अच्छी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं पीडीएफ डालता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक और चीज़, अगर मान लो किसी के 70 के आसपास है, ठीक है, उसको लग रहा है खुद को पता चल जाता है, देखो कट ऑफ तो मैं बता रहा हूँ बट आपको खुद को पता होगा फिर भी कि आपका होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात। जैसे अभी आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया तो मेरे को पहले ही लग रहा था कहीं ना कहीं कि मेरा नहीं होना है इस बार, क्योंकि वो एक पजल मेरे थोड़ी सी इशू कर गई इसीलिए। ठीक है, तो अगर 70 के आसपास है आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो आप प्री पे शिफ्ट हो जाओ, एसबीए क्लर्क आईपीएस पीओ प्लस जीए भी करो साथ में, जीए ही फाइनल सिलेक्शन दे जाएगा, जीए डेली वाइज पढ़ो खास। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेंस की वीडियो की स्ट्रेटजी के लिए, और जीए की प्लेलिस्ट में लिंक करवा दूंगा। और अगर आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जाना है आप मेंस के लिए तो कंप्यूटर की क्लासेस अपलोड हो रही है, वो जाके देख लेना। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर करना, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।